लाइन मारने वाली बहू। रश्मि अपने कॉलेज की बहुत फेमस लड़की है। कॉलेज का ऐसा कोई भी आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पहचानता है। रश्मि हर लड़की को लाइन मारती रहती है। उसकी नजर लड़के पर ही रहती है। लड़के उससे डरते हैं और उसे देखते ही भाग जाते हैं। इस सब के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही होती है। एक रोज कमल दुखी होकर रश्मि से कहती है, अब तो ये सब छोड़ दे मेरी माँ, अब क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी। मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं जब कोई कहता है कि तेरी बेटी लाइनबाज है। मम्मा, अब क्या मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जीऊं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लड़के मेरी तरफ आकर खुद रुक जाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे भाग्य फूटे हैं मेरे, लगता है तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊंगी मैं। इधर कमला रश्मि को लेकर परेशान रहती है। उधर पूनम गट्टू के मोटापे के कारण परेशान रहती है। उसके मोटापे के कारण सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है। मेरा गट्टू कब दूल्हा बनेगा? उसके सर सहरा कब बंधेगा? राम जी, मुझे इसी दिन का इंतजार कब से है। एक प्यारी सी बहू दे दे जिसके आने से मेरे घर में रोशनी छा जाए। कमला रश्मि के लिए लड़के देख देख कर थक जाती है। जो कोई रश्मि को देखने आता है उसे रिजेक्ट करके चला जाता है, या फिर कुछ दिनों तक डेट करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एक रोज कमला को रवि के बारे में पता चलता है। तब वो राकेश से कहती है, गट्टू को अपनी रश्मि के लिए फाइनल कर देते हैं। मोटा है तो क्या हुआ, शादी तो हो जाएगी। वैसे भी रश्मि से कोई शादी नहीं करेगा। आप ना आज ही गट्टू के घर वालों से बात कीजिए। राकेश और कमला गट्टू के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जाते हैं और पूनम रश्मि की फोटो देखकर खुश हो जाती है और उसके बारे में बिना कुछ पता लगाए ही शादी के लिए हाँ कर देती है। गट्टू और रश्मि की शादी तय हो जाती है। जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। गट्टू और रश्मि फेरे पर बैठे होते हैं और रश्मि अपनी हरकतों से मजबूर कैमरामैन को आंख मारने लगती है। कैमरामैन शर्म से लाल पीला हो जाता है। अगर किसी से कहूंगा तो सब मुझे ही गलत समझेंगे, कहीं मेरी धुलाई ना हो जाए। किसी भी तरह यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। कैमरामैन के बाद रश्मि पंडित जी को लाइन मारने लगती है, उसकी ओर इशारे भी करती है। पंडित जी घबरा कर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है और गट्टू ये सब देख लेता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है। फेरे पूरे होते हैं और रश्मि गट्टू के घर चली जाती है। सभी रश्मि को देख फूले नहीं समाते। अरे बहुत चांद का टुकड़ा लग रही है। अंधेरे में भी उजाला कर दे। बहू भी तो मेरी है। गट्टू की शादी से सभी खुश होते हैं। रश्मि भी सभी के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन बाद रश्मि अपने घर आए दूध वाले से बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसे लाइन मारने लगती है। बहू जी, आप ये क्या कर रही है? मेरा रोजगार बंद हो जाएगा ऐसे तो। ज्यादा सीधे मत बनो, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? कहाँ गट्टू ये मोटा भैंसा जैसा, और कहाँ मैं, कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे बहू जी, जाने दीजिए ना हमको। दूध वाला रश्मि से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अगले दिन से आना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने घर के नौकर नट्टू के पीछे पड़ जाती है और उसे लाइन मारने लगती है। नट्टू रश्मि से डर डर कर रहने लगता है। रश्मि एक दिन उसे भी दूध वाले की तरह पकड़ लेती है। मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं और तुम मुझसे भाग रहे हो, मेरी तारीफ करो ना। अरे बहू जी, ये सब हम ना ही कर सकत। ये सब सुनने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे गट्टू बाबा को हमने अपने बेटे की तरह माना है। नौकर वहां से चला जाता है और वापस नहीं आता। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब लोग एक एक करके उसके यहाँ काम क्यों छोड़ रहे हैं। एक दिन पूनम की नजर रश्मि पर पड़ती है जो घर की छत पर खड़े पड़ोस के लड़के को लाइन मार रही होती है और ये देखकर पूनम की आंखें फटी रह जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। कहीं इसी सब के कारण इतने पुराने नट्टू भाई घर छोड़कर तो नहीं चले गए? मुझे दूध वाले से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। पूनम अब पूरे वक्त रश्मि की हरकतों पर नजर गड़ाए रखती है और उसे पता चल जाता है कि रश्मि के कारण ही सभी ने काम छोड़ा है।
अब मेरे गट्टू का क्या होगा? वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। ये डायन मेरे घर को निगल जाएगी। पूनम नौकर नट्टू के घर जाती है। नट्टू भाई, आपको अपने घर वापस आना होगा। मेरी मदद करनी होगी रश्मि को सुधारने में। मालकिन, हमको लगा कि आप भी हमका ही गलत समझेंगी, इसीलिए हम चुपचाप चले आए। नट्टू वापस काम पर आ जाता है और रश्मि मौका पाते ही नट्टू पर लाइन मारना चालू कर देती है। अच्छा, तो वापस आना ही पड़ा ना? आप कहाँ जाएंगे बचकर आप? मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बहू रानी, तुमने तो हमरे सबर का बांध ही तोड़ दिया है। नट्टू रश्मि को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर लेता है। रश्मि की हालत डर से खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरा क्यों बंद किया आपने? आप मेरे चाचा समान हैं। अच्छा, आज हम चाचा समान हो गए। उस दिन कहाँ थे हम? हाँ, अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आज के बाद मैं किसी भी लड़के को लाइन नहीं मारूंगी। इतने में ही पूनम वहां जाती है। बहू, तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे और नट्टू भाई को ऐसा करना पड़ा। रश्मि रो रो कर पूनम के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे समझ में आ गया कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और नट्टू काका। देर आए दुरुस्त आए, तुझे अकल आ गई वही काफी है। मेरे बेटे का घर बच गया, मुझे और कुछ नहीं।